पिकअप के सभी BS6 वर्जन है वो लॉन्च कर दिए हैं, जो कि मैक्सी ट्रक से लेकर 1.7 तक आते हैं पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से। अलग अलग जो मॉडल आते हैं तो सभी जो वर्जन है BS6 के वो लॉन्च कर दिए गए हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर 4x4 पिकअप के बारे में। चलिए शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आज की इस वीडियो में बात करते हैं पर्टिकुलर महिंद्रा 4x4 के बारे में। की आती है सिंपल, की आती है इसके अंदर सेफ्टी के मामले में इंजन इम्बुलाइजर आता है, सेंट्रल लॉक नहीं आती। तो ये एक साथ सिंपल की है विद इंजन इम्बुलाइजर सेफ्टी में। तो आगे का लुक देख लीजिए। तो आगे का लुक उसी प्रकार से जैसे BS4 मॉडल है, कोई खास चेंज नहीं किया गया इसके अंदर। और जो गुड्स व्हीकल होते हैं उसमें ज़्यादा एग्रेसिव लुक की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो गुड्स के लिए बने होते हैं। फिर भी महिंद्रा ने अच्छा खासा लुक बना रखा है इस प्राइस रेंज में, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडल वैसा ही है, माइनर चेंज किए गए हैं। फ्रंट की बात की जाए तो इसके अंदर इंजन के अंदर इंटरकूलर ऐड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे चलते हैं तो इसके जो आगे के हेडलाइट हैं वो पीली बल्ब के अंदर आते हैं, हेलोजन लैंप आते हैं। और ये हेडलाइट है, और जो यहाँ पर इसके अंदर जो है इंटरकूलर दिखाता हूँ आपको, ये इंटरकूलर ऐड किया गया इसके अंदर, जो गाड़ी को टर्बो कूल करता है। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पर महिंद्रा का लोगो है। और यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पर स्ट्रिप भी है रिफ्लेक्टर की, छोटी सी स्ट्रिप भी है। और नीचे डमी है फोग लाइट की, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो फोग लाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे का फ्रंट लुक इस तरह दिखता है। और इसमें पावर स्टीयरिंग आता है हाइड्रोलिक में, इलेक्ट्रिक में नहीं आता, हाइड्रोलिक में पावर स्टीयरिंग आता है। और जो ब्रेक की बात की जाए तो इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, और रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं। तो साइड का लुक देख लीजिए गाड़ी का, 5 मीटर से इसकी लेंथ कम है डायमेंशन की बात की जाए तो। और गाड़ी के टायर की साइज की बात की तो 15 इंच में आते हैं, 109-105 के रेडियल टायर हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो इसके अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं आगे और पीछे दोनों, जो लोड कैपेसिटी को अच्छी तरह से होल्ड करके रखती है। ये बोलेरो के स्टिकर्स हैं पिकअप के। ये फुट स्टेप है दोनों साइड में है, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। ये हुक है रस्सी बांधने के लिए। यहाँ पर विंडो है कार्गो के लिए। कार्गो की जो कैपेसिटी है इसके अंदर 1000 किलो से ऊपर आती है, और 1.7 टन में जो पिकअप आती है उसकी 1700 kg आती है। ये यहाँ से कार्गो को ओपन करने के लिए, यहाँ से ओपन होते हैं कार्गो, जो भी पेलोड कैपेसिटी इसको फिलअप करना होता है यहाँ से होता है। कार्गो की साइज़ है मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको, तो वहाँ से आप देख लेना। ये कार्गो है, इसकी कैपेसिटी 1000 kg से ऊपर है। ये पीछे टेल लाइट, ये महिंद्रा की 3D डायग्राम। और यहाँ पर माइनर चेंज जो किए गए हैं, ये 2 बैक सेंसर ऐड किए गए हैं इसके अंदर, 2 बैक सेंसर ऐड किए हैं, रियर पार्किंग सेंसर, जो कि एक सेफ्टी के अंदर फीचर आता है ये। और ये यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए लाइट्स हैं। ये स्पेयर टायर, ये 4x4 की बेजिंग है। इधर डीजल की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 60 लीटर आती है, और गाड़ी एवरेज देती है 13-14 kmpl का। डायमेंशन की बात की जाए तो इसके अंदर जिसकी लेंथ है वो 5 मीटर के लगभग आती है, और हाइट है वो 1.8 मीटर आती है। ये पूरा लुक देख लीजिए। यहाँ पर 80 kmph की जो वार्निंग स्पीड है वो दे रखा है। यहाँ पर BS6 की स्टिकर लगे हुए हैं। चलिए अंदर देखते हैं। ये 1 कलर में आपका रेगजिन है विंडो का, और इसके अंदर मैनुअली आपके जो विंडो अप डाउन करने के लिए होते हैं। और ड्राइवर का जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ आगे पीछे के लिए है, और इसमें किसी प्रकार का रेक्टेंगल एडजस्टमेंट है नहीं। ये 4x4 गियर है, ये साधारण गियर है। ये यहाँ पर पेडल्स हैं। 4x4 के अंदर 3 मोड आते हैं, इसके अंदर 4L, 4H और 2H आता है। ये पावर स्टीयरिंग है जो कि हाइड्रोलिक में है। गाड़ी को ऑन करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अंदर ट्रिप A और B आता है,
और ऑडियो मीटर आता है, इधर डिजिटल के अंदर आपका टेम्परेचर मीटर और फील मीटर आता है, और बीच में है जो है स्पीडो मीटर आता है, और कुछ वार्निंग लाइटें दी गई इधर। जो इसका डैशबोर्ड है वो सेम पिकअप का जो सभी का आ रहा है वही है, कोई कुछ खास फर्क नहीं है। और ये देखिए डैशबोर्ड, आफ्टर मार्केट आप म्यूजिक सिस्टम और एसी लगवा सकते हैं हजार लेम के लिए। 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पर। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, यहाँ पर ग्लो बॉक्स, यहाँ पर सनवाइजर के साथ एनईडी मिरर है, या ARVM मैनुअली, ये एयर वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर 1.7 में है वो ज़्यादा बड़ा आता है, इसके अंदर छोटा आता है। ये रीडिंग लाइट हो गया उधर, यहाँ पर वोटर होल्डर डॉक्यूमेंट होल्डर इधर आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये सीट बेल्ट के लिए मैंने 1.7 का वीडियो वो बना रखा है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए उसमें क्या क्या फीचर, क्या चेंजमेंट किया गया इसके अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई बटन में आपको मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इस वो 4x4 गियर के लिए जो कई सब्सक्राइबर कहते हैं कमेंट में कि इसके लिए देख से डेडिकेट बटन डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं आपको बना दूँगा। ये इसके अंदर 4 सिलेंडर का 2500 सीसी वाला इंजन आता है BS6 में, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 70 BHP की 56 KW में। यहाँ पर टर्बो लगा हुआ है, ये ब्रेक बूस्टर है इधर, ये आपका 4 सिलेंडर डीजल इंजन। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स वगैरह ECM वगैरह यहीं पे लगे हुए हैं। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे इंजन साउंड आती है इसके अंदर। चलिए देखते हैं।